करनाल दौरे पर सीएम मनोहर लाल ने टेनिस बैडमिंटन कोर्ट का उद्घाटन किया है। टेनिस बैडमिंटन कोर्ट का उद्घाटन करने के बाद सीएम मनोहर लाल ने खुद भी बैडमिंटन कोर्ट में उतरकर बैडमिंटन खेला। किसान आंदोलन पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पीएम और किसानों के बीच एक कॉल की दूरी है। किसानों को पीएम का निमंत्रण स्वीकार करना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि किसानों को अब बातचीत के लिए आगे आना चाहिए। सोनीपत और झज्जर जिले में 26 जनवरी से बंद इंटरनेट सेवा को बहाल कर दिया गया है। करीब 10 दिन बाद दोनों जिलों में इंटरनेट सेवा शुरू हुई है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को छोड़कर अन्य जगहों पर किसानों ने चक्का जाम के दौरान राजमार्गों को जाम कर दिया है। प्रदर्शनकारी किसानों ने पलवल हाईवे समेत कई अन्य राजमार्गों को जाम कर दिया। चक्का जाम के मद्देनजर दिल्ली को हाई अलर्ट पर रखा गया है। राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली NCR में 50,000 के करीब जवानों की तैनाती की गई। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि 2 अक्टूबर तक कानूनों को वापस ले सरकार। हमने कानून को निरस्त करने के लिए सरकार को 2 अक्टूबर का समय दिया है और उसके बाद हम आगे की प्लानिंग करेंगे। पंजाब के अमृतसर और मोहाली में भी किसान सड़कों पर उतरे हैं और चक्का जाम किया है। सख्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच किसानों ने कृषि कानूनों का विरोध जताया है। पलवल में धरने पर बैठे किसानों ने चक्का जाम कर दिया। नेशनल हाईवे नंबर 19 पर दोनों तरफ से किसानों ने धरना देकर रोड जाम किया। इस दौरान भारी पुलिस बल मौके पर तैनात रहा। शांतिपूर्ण तरीके से किसानों ने चक्का जाम किया। उन्होंने कहा कि नोटबंदी GST से व्यापारी परेशान हैं और कृषि कानून से किसानों को नुकसान इसलिए। भाजपा सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों से पूंजीपति ही तरक्की कर रहे हैं, जबकि 32 किसान रोज मर रहे हैं, उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। किसानों के चक्का जाम के आह्वान के बीच कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने में दिल्ली पुलिस की मदद के लिए दिल्ली बॉर्डर सहित दिल्ली NCR के अलग अलग हिस्सों में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। पूरी दिल्ली में खासतौर पर गाजीपुर बॉर्डर, लाल किला और ITO इलाके में भारी संख्या में दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है। लाल किला और उसके आसपास वाले क्षेत्र में भी भारी संख्या में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की गई है। 26 जनवरी वाली घटना को किसी भी कीमत पर दोहराया न जा सके, इसके लिए प्रशासन ने तैयारी की। फरीदाबाद शहर में करीब 3,500 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। इतना ही नहीं, शहर के अलग अलग चौराहों पर लोगों पर CCTV कैमरों से नजर रखी गई। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के मुताबिक 10 मेट्रो स्टेशन पर एंट्री बंद कर दी गई है। मंडी हाउस, ITO, दिल्ली गेट, लाल किला, जामा मस्जिद, जनपद, केंद्रीय सचिवालय, खान मार्केट, नेहरू प्लेस और विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन के गेट बंद किए गए थे। किसानों के चक्का जाम को लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि अन्नदाता का शांतिपूर्ण सत्याग्रह देश हित में है। ये 3 कानून सिर्फ किसान मजदूर के लिए ही नहीं, जनता और देश के लिए भी घातक हैं। हरियाणा वेयरहाउस के चेयरमैन और पृथला के विधायक नयनपाल रावत का कहना है कि किसान आंदोलन के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल और प्रधानमंत्री मोदी कोई भी ऐसा काम नहीं करते हैं जिससे किसी को नुकसान हो। मेवात के पुनाना विधानसभा में 7 फरवरी को किसान महापंचायत का आयोजन किया जाएगा, जिसकी जानकारी जिले के किसान नेता रमजान चौधरी ने दी है। गांव गांव जाकर किसान महापंचायत का निमंत्रण दिया जा रहा है। खापों के बैनर तले किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे चरखी दादरी से निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने कहा है कि अगर राजनीति करने वाले नेता ही किसानों के लिए कुछ करते तो किसानों को आंदोलन नहीं करना पड़ता। अंबाला की नई अनाज मंडी में भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे में पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा और अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा ने शिरकत की। कोरोना के खिलाफ जंग में भारत ने रिकॉर्ड बना लिया है। कोरोना वैक्सीनेशन के मामले में भारत दुनिया में सबसे आगे निकल चुका है। भारत में अब तक 50 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। टोहाना में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए DSP टोहाना अपने सहकर्मियों के साथ वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंचे। स्वास्थ्यकर्मियों ने DSP को कोविड संबंधित कई नियम बताए। जाखल में CIA स्टाफ पुलिस की टीम को बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने आरोपी के पास से हजारों नशीली गोलियां बरामद की। रोहतक के बलियाना गांव में गैंगवार में एक युवक की हत्या हो गई, जबकि CRPF के रिटायर्ड जवान और एक युवक के गंभीर रूप से घायल होने की खबर है। 15 बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर घटना को अंजाम दिया।